अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्टोर वन टुडे में आपको वेलकम करते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेके आऊँ T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ कैसे पेयर करें। जी तो गाइस, सबसे पहले वॉच को अनबॉक्स कर लेते हैं। जी तो गाइस, सबसे पहले आपको इसमें एक अदद मैनुअल बुक देखने को मिल जाएगी, जिस पे आपको एप्लीकेशन की QR देखने को मिल जाएगी और साथ में आपको नेम देखने को मिल जाएगा, HI वॉच प्रो। अब हम सिंपली अपनी वॉच को निकाल लेते हैं, अब वॉच को ऑन कर लेते हैं। जी गाइज, हमारी वॉच ऑन हो चुकी है। आप अब हम आ जाते हैं अपने मोबाइल की तरफ। जी तो गाइज, आपने इसमें HI वॉच प्रो को डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। इसको हम सिंपली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपने सबसे पहले नीचे सेट में आना है। सेट में आने के बाद आपने बाइंड डिवाइस पर क्लिक करना है, तो आपको इस नोटिफिकेशन मिलेगा अलाउ का। आपने सिंपली अलाउ कर देना है। लोकेशन को भी अपनी ऑन कर लेना है। जी तो गाइज, हमारी स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी गाइज, ये आप चेक कर सकते हैं, T800 अल्ट्रा आपको नेम शो हो जाएगा। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी वॉच हमारे मोबाइल के साथ पेयर हो जाएगी। जी तो गाइज, आप चेक कर सकते हैं, हमारी वॉच हमारे मोबाइल के साथ पेयर हो चुकी है। सबसे पहले आपको राइज टू वेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप सिंपली इसको ऑन कर लें। ठीक है, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको अलार्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको फाइंड डिवाइस का ऑप्शन देखने को, आपकी वॉच कहीं पर खो जाती है तो आप इससे फाइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिमोट शटर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर क्लिक हो जाएगी आपके मोबाइल पे। तो गाइस, आप चेक कर सकते हैं, आपकी पिक्चर क्लिक हो चुकी है। इसके बाद आपको मैसेज पुश देखने को मिल जाएगा, SMS नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, कॉल रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा, SMS रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा, वही चैट, क्योंकि रिमाइंडर, फेसबुक, ट्विटर, लाइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्काइप, स्नैपचैट, बहुत सी नोटिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको डायल सेटिंग में दिखा दूं। डायल सेटिंग में आएंगे तो आपको इसमें बहुत से वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। आप यहां से कोई भी सभी वॉच फेसेस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपना वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो इसमें आप वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। नीचे आपने लास्ट पे देखना है, कस्टमाइज डायल में आना है। कस्टमाइज डायल में आने के बाद आपको कोई से भी डायल पे क्लिक करना है। जो कहीं आपने सिंपली सेलेक्ट में आना है। सेलेक्ट में आपने इसमें अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। इसको आप क्रॉप कर लें, जहाँ पर आप सेट करना चाहें इसको कर लें, फिर यहाँ पर डन पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपने नीचे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे ही 100 होगा आपकी वॉच, आपको वॉच फेसेस आपकी वॉच पे लग जाएगा। आपको थोड़ी देर में मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जी तो गाइज, आप चेक कर सकते हैं, हमारा वॉच फेस हमारी वॉच पे लग चुका है। उसके बाद आप नीचे रीसेट डिवाइस भी कर सकते हैं, इसको रिमूव डिवाइस भी कर सकते हैं। उसके बाद अदर में आए तो वाइब्रेट सेटिंग में देखने को मिलेगी आपको इसमें। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप मोशन में आए तो यहाँ पे आप वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। माइंड में आए तो इसमें आपको आपकी प्रोफाइल डिटेल देखने को मिल जाएगा। अगर होम में आए तो होम में आपको डेली की एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। जी तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप ये वॉच परचेज करना चाहते हैं तो इसका फुल रिव्यू मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। स्टोर 120 को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।